नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह के मैरिज गार्डन पर ग्वालियर नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण की द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज जिले भर के कांग्रेसियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाया। कांग्रेसियों का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर की जा रही है, जिसके विरोध में आज उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया। वहीं पर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतला जलाए जाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद नजर आया। उसके बाद भी कांग्रेसियों ने चतुराई दिखाते हुए अग्रसेन चौराहे पर और थाने के सामने नगर पालिका चौराहे पर दो जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन कर दिया। थाने का पुलिस बल जहां अग्रसेन चौराहे पर कांग्रेसियों पर निगरानी रखा रहा, तो वहीं पर आधे कांग्रेसी योजनाबद्ध तरीके से डबरा थाने के सामने ही नगर पालिका चौराहे पर पहुंच गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन कर दिया। तदुपरांत कांग्रेसियों ने शहर के अग्रसेन चौराहे पर सिंधिया का पुतला भी जलाया है। देखिए, ये शुद्ध सिंधिया जी के इशारे पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कार्रवाई है। अगर वो अवैध निर्माण था तो 15 साल तक शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में काबिज रहे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये शुद्ध बौखलाहट है सिंधिया जी की, क्योंकि वो संभाग की ज्यादातर सीटें यहाँ से हारे हैं। इस बौखलाहट में वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवा रहे हैं जबरदस्ती प्रशासन के माध्यम से। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और उन्हें आगाह भी करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयां लोकतंत्र के हित में नहीं है। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी की सरकार हो, किसी भी TI, SP, कलेक्टर, इनको नौकरी कोई सरकार नहीं देती। जी अपनी योग्यता पर बनकर आते हैं और इन्हें कम से कम क्या गलत है क्या सही है इसको देख के तो कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये तो एक शुरुआत है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कांग्रेस और आगे जाएगी अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए, अपने नेताओं के सम्मान के लिए। हमारा कांग्रेस ही किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हमारे अशोक सिंह जी का 200 फुट अंदर अवैध निर्माण है तो महल की जो दीवार बनी है वो किस परिधि में आती है आप देखिए ना। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, जो दीवार ज्योतिराज सिंधिया जी के महल से सटी हुई है वो वैध है और 300 फुट रोड के अंदर वो अवैध है। ये हम डरने वाले नहीं है, इसलिए ये हमारा आज एक सिर्फ संदेश है। ये उनका पुतला दहन, ये शुद्ध सिंधिया जी के इशारे पे ये कृत किया गया है। भाजपा नेता कह रहे हैं कांग्रेस ने जो प्रथा चालू की थी हम तो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, भाजपा नेताओं से ही पूछना चाहता हूँ, अगर वो अवैध था तो 15 साल तक आपकी सरकार रही तब क्या आप सोते रहे? आप बताइए ना, अगर वो अवैध था तो 15 साल आपको जानकारी नहीं आया क्या वो अवैध है? जब ज्योतिराज सिंधिया ने पीठ में छुरा घोंप कर और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरा दी और आपकी सरकार बना दी, तो आप भी सिंधिया जी के इशारे पर कार्रवाई करने लगे? ये तो कहीं का न्याय नहीं है, ये तो फिर सारा डबरा अवैध माना जाएगा उनके इशारे पर। पुलिस और कांग्रेस के भी झड़प हुई है, शासन आया था इसके साथ ही झड़प भी हुई है। आग आपने पुतले में लगाई, आग बुझाई गई TI के द्वारा, खुद क्यों पड़े हैं, तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये तो प्रशासन, जिसकी सरकार होती है प्रशासन के अधिकारी सोचते हैं कि हम अपने नंबर बढ़ाएं, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है, पुतला जलाना कोई बहुत ऐसा काम नहीं है। ये तो हमारा रोष व्यक्त करना है और उनका काम पुतले को बचाना था, हमारा काम जलाना था। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी दम पर जलाया और एक नहीं दो जगह जलाया। हमने नगर पालिका के सामने, थाने के नाक के सामने जलाया। क्या कारण रहा दो बार दो जगह जलाना पड़ा? नहीं, इसलिए हमको मालूम था कि प्रशासन हमको जलाने नहीं देगा, इसलिए हमने अपनी योजना के तहत दो दो जगह जलाया।